अजान गिरामी, बस दो जुमले मुझे खैबर से मुतालिक पेश करने हैं और आखिर में खैबर के जंग के अख्ताम पर दुआ है वही मसाइब का, वहीं से मैं इत्तेसाल मुत्तसिल हो जाऊंगा। अगर सुनो, पैगंबर इस्लाम ने पूरी ज़िंदगी जितनी भी जंगें की हैं दिफाई हैं, दिफा किया है, हमला नहीं किया, दूसरे हमला करते थे। तो लोग कहते नहीं, खैबर की जंग वाहिद जंग है जहां आपने हमला किया, आपने कहा मैं खैबर आ रहा हूं फतह करूंगा। नहीं, वो यहूदी मुसलमानों को लूट लेते थे, तो मुसलमानों ने आके शिकवा किया, या रसूलल्लाह ये खैबर में यहूदी, हम वहां से सफ़र करते हैं, वो लूट लेते हैं और उनके बड़े बड़े पहलवान वहाँ मौजूद हैं, मरहब, हारिस, अंतर, उनका रोब इतना है, बहुत कदावर हैं, बहुत बड़े बड़े जिस्म हैं, तो उनका कोई भी, तो रसूल खुदा ने उनको ख़त लिखा, बाज आ जाओ मेरे मानने वालों को, आइंदा तुम्हारा खैबर का कोई यहूदी ना लूटे। तो एक मरतबा जनाब सरवर कायनात ने दूसरा खत लिखा, वो फिर भी बाज नहीं आए। रसूल खुदा ने कहा बाज आ जाओ, अगर तुम फिर भी बाज ना आए तो मैं खुद खैबर आऊंगा और खैबर फतह करूंगा। उन्होंने अपनी एक मीटिंग बुला ली, कहा कि भाई क्या कह रहे हैं, मोहम्मद ने खत लिखा, का डरने की जरूरत नहीं, हमारे पास बड़े बड़े पहलवान मौजूद, मरहब, हारिस, अंतर, पहली के मुकाबले में तीन ही आए, मैं मरहब हारिस अंतर की बात कर रहा हूं। तो अजान ग्रामी जनाबे सरवर कायनात ने कहा 40 दिन में फतह करूंगा। तो उन्होंने कहा भाई 40 साल भी यहां पे आके लोग मुकाबला करते रहे, हम जंगजू हैं और बड़े बड़े पहलवान हमारे पास हैं, खैबर का किला था, आज भी जाए ना तो 1400 साल बाद बड़ी उसकी जखीम दीवारें हैं, और उसका दरवाजा था जो 40 अफराद लोहे से खींचते थे बंद करने के लिए और उसको खोलने के लिए भी, बीच में चारों तरफ उसके एक बहुत बड़ा गोदाल था और उसमें वो पानी डाल दे, बाज़कात उस जमाने के अंदर आग लगाने के लिए लकड़ियां डाल देते, आग लगाते ताकि कोई आ ना सके, तो चारों तरफ उसके, तो इस तरह से उन्होंने बहुत बड़ा वो किला बना रखा था। रसूल खुदा ने कहा 40 दिन में फतह करूंगा, सहाबा को लिया और फौरन आप चले गए खैबर के मकाम पे, फदक से थोड़ा सा और आगे खैबर का मकाम। तो आपने कहा भाई मैं खैबर फतह करने के लिए जा रहा हूं, सहाबा को लिया रसूल इस्लाम ने और खैबर पहुंच गए। पहले दिन एक सहाबी से कहा ये आलम है, ये है मजमा, ये फौज, जब तक जीत ना जाओ वापस ना आना। वो कुछ ही देर में वापस आ गए, रसूल खुदा ने कहा क्या हुआ, कहा या रसूलल्लाह मजमा रुका ही नहीं। रसूल खुदा ने मुसलमानों से कहा कि भाई क्यों नहीं रुके तुम, कहा या रसूलल्लाह ये झूठा है, ये पहले भागा था, पढ़ दूं या, का या रसूल्ला पहले ये भागा था, ये झूठ बोल रहा है, हम लोग पहले नहीं भागे। रसूल खुदा ने कहा खबरदार कल दोबारा जाना, मोहम्मद की आबरू का मामला, मैंने 40 दिन का वादा किया, जाओगे? उसने कहा या रसूल्ला ये अगर रुक जाए तो मैं तो लड़ने वाला हूं। पैगंबर ने दोबारा आलम दिया, फिर वापस आने के बाद फिर लड़ाई हो गई, पहले कौन भागा? पैगंबर इस्लाम ने कहा बहुत हो गया, कोई और जाएगा? एक और साहब ने कहा मैं चला जाऊंगा, उनकी रफ्तार ज्यादा थी। घबरा के चलें, बस बस भाई मैं अब और मजीद अब सोच रहा हूं कि ना पढ़ूं, वक्त तमाम हो चुका है, मुकम्मल कर रहा हूं बहुत तेजी से, यकीन माने जब खैबर पेश कर रहा हूं तो यहां नहीं होता, मेरी निगाहों में सब चल रहा है इस वक्त। अब 39 दिन गुजरते रहे, यही लड़ाइयां होती रही कि कौन पहले छोड़ के आया था, एक साहब तो ऐसे थे जिनको आलम दिया, वो आलम भी छोड़ा। अब रसूल इस्लाम ने कहा आलम वापस ले आओ, अब वहां से बस एक उनमें से भाइयों में से एक बाहर निकलता था और वो देखता था, किसी में जरूरत नहीं होती थी रुकने की वहां पर। रसूल इस्लाम ने 39 दिन गुजर गए, अब एक मरतबा सही बुखारी के अल्फाज है, पैगंबर इस्लाम ने कहा कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा,
वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। बस भाई, पैगंबर ने ईशा के बाद ऐलान किया, अपने खेमे में चले गए और पैगंबर ने एक आखिरी जुमला कह दिया था, इन्नल्लाह यफ्तहुल खैबर अला यदै, अल्लाह ने उसके हाथों पे फतह लिखी हुई है, वो जाएगा खैबर फतह हो जाएगा। अब सारे सहाबा कह रहे पूरी रात नींद नहीं आ रही, एक सहाबी वो कहते हैं मुझे पूरी जिंदगी कभी शौक ही नहीं हुआ कि मुझे अलम मिले, कभी जिंदगी में शौक नहीं हुआ, का उस रात इतना शौक था अलम मिल जाए कि मैं रात में सो नहीं पा रहा था। उनसे लोगों ने पूछा क्यों शौक था, का क्योंकि पैगंबर ने फरमा दिया था, अल्लाह ने जिसे कल अलम दूंगा ना, अल्लाह ने उसके हाथों पे फतह लिखी हुई है, जाएगा और फतह करके आ जाएगा। वो कहते मुझे नींद ही नहीं आई, उठा पैगंबर के खेमे में गया, का या रसूल अल्लाह बस इतना बता दें क्या कल अलम मुझे मिलने वाला है या नहीं। पैगंबर ने कहा सुबह का इंतजार कर, सुबह बताऊंगा। या रसूल अल्लाह बता देते तुझे अलम नहीं मिलेगा, सो जाता। पैगंबर भी सस्पेंस में मार रहे हैं, सुबह का इंतजार करो। एक मर्तबा पैगंबर ने सारे सहाबा को फजर पढ़ाई और खेमे से बाहर नमाज पढ़ाने के बाद कहा नादे अलियन मज़हर अल अजाइब, सारे के सारे सहाबा देख रहे हैं अली तो मदीने में हैं, 100 किलोमीटर से ज्यादा का फासला, पैगंबर ने कहा नादे अलियन, जनाबे सलमान मदीने की तरफ बढ़े, जैसे ही उठ के चलने लगे जनाबे अबू ज़र उठे, जनाबे मिकदाद, जनाबे अम्मा, ये हैं रसूल के चार यार। बस भाई वक्त नहीं है, जैसे ही ये चले ना तो सब के सब कह रहे हैं अली तो मदीने में, देखा सामने से गर्द उड़ रही है, अब मैं क्या करूं कि अली घोड़े पे आए तो अल्लाह घोड़े की सुमों की कसमें खाए, घोड़ा तेज तेज सांस ले तो अल्लाह घोड़े के फर्राटे भरने की कसमें खाए। वहां से जनाबे अमीर आए, यहां पे जनाबे सरवर कायनात ने कहा मेरा भाई अहलन व सहलन, खुशामद, गले लगाया। पैगंबर सलाम से जनाबे अमीर ने इजाजत ली, या रसूल अल्लाह अकेला काफी हूं, तवज्जो, का नहीं लश्कर जाएगा, तवज्जो, का लश्कर जाएगा। मैं बहुत सोचता था कि पैगंबर भी जानते हैं, ये पहले जाके आ चुके हैं, अब जाना क्यों जरूरी था, पैगंबर चाहते थे ये सब देखें। अब मैं यहां नहीं हूं, नजफ में हूं, मेरे मौला चले खैबर पे पहुंचे, हाथ में अलम था, खैबर का किला बहुत बड़ा, ऊपर के एक बहुत बड़े हुजरे के अंदर मरहब एक नजूमी के साथ बैठा करता था, उसने एक मर्तबा नीचे देखा कहा आज कोई नया आदमी आया। एक मर्तबा जनाबे अमीर ने हाथ में अलम था, अलम एक लोहे की सलाख में था, मौला ने अलम उखाड़ा, पत्थर के अंदर गाड़ा, पत्थर में, पत्थर में अलम गाड़ा। मरहब ने खामोशी से पलट के नजूमी को देखा, कहा अब तक जो आ रहे थे ना वो अलम फेंक के भाग रहे थे, इसका मिजाज कुछ और है, तवज्जो, का इसका मिजाज कुछ और है, इसने पत्थर में अलम गाड़ दिया। नुजूमी ने कहा परेशान होने की बात नहीं है, एक बुर्ज है, जब वो उस सितारे के सामने आता है ना तो लोहे के लिए पत्थर मोम हो जाता, कमाल इसका नहीं है उस बुर्ज का है, वो उस सितारे के सामने है इसलिए लोहे के लिए पत्थर मोम हो चुका है। मरहब ने दोबारा पलट के देखा,
इमामत के कानों ने सुना, मेरे मौला ने अलम उखाड़ा, फिर अलम गाड़ा, फिर अलम उखाड़ा, फिर अलम गाड़ा। जब नौ मर्तबा तवज्जो तवज्जो सारे मजमे की, खुदा गवाह ना सीने में ताकत है ना गले में, मौला ने नौ मर्तबा, सात या नौ मर्तबा अलम उखाड़ा और पत्थर के अंदर गाड़ा, अलग पत्थर में गाड़ा। अब एक मर्तबा नजूमी ने कहा खबरदार इससे ना लड़ना। कहा क्यों? अभी तो तुमने कहा था कि कमाल इसका नहीं है, वो बुर्ज जब सितारे के सामने आ जा तो लोहे के लिए पत्थर मोम हो जाता है। कहा नहीं, कमाल इसका है। कहा कैसे? कहा जब ये अलम उठाता है बुर्ज सितारे के सामने से हट जाता, जब ये दोबारा गाड़ता है बुर्ज वापस आता है, ये जमीन पे बैठ के सितारे बस भाई जनाबे अमीर ने, वक्त तमाम हो चुका है भाई, तवा अब वक्त नहीं है और सीने में दम भी नहीं है खैबर सुनाने के लिए, पूरा खून जिगर देता हूं। ऐजाने के नामे जनाबे अमीर ने एक मरतबा मरहब आया, जनाबे अमीर ने तारफ करवाया, सम्मच ने उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। हर जंग में मौला ने कहा मैं हूं अली इब्ने अबी तालिब, हर जंग में कहा अबू तालिब का बेटा अली, आज कह रहे मेरी माँ ने नाम हैदर रखा। तो उलमा कहते हैं दो वजह से, एक तो ये बताना चाहते थे जैसा मेरा बाबा काबिल फख्र है वैसी मेरी माँ काबिल फख्र है। अबरार भाई ने कुर्बानी पड़ी थी, एक जुमला मैं भी कहना चाह रहा हूं भाई, ये अली की विलायत बाप के खून से नहीं आती, मां के किरदार से आती है। तो जाने के लिए जनाबे अमीर ने एक मरतबा मरहब आया, तारफ करवाया मैं कौन हूं, दो वजह से, एक कि पता चल जाए मां का, दूसरे उसकी मां ने उसे वसीयत की थी, सारे भाइयों को वसीयत की थी, मुझे किसी नजूमी ने जायचा बना के बताया था तेरे शेर जैसे बेटे होंगे जिससे टकरा जाएंगे मार देंगे, बस बेटों से कहना हैदर नामी आदमी से ना लड़े। जैसे ही मौला ने कहा सम्मच नी उम्मी हैदरा, मेरी मां ने नाम हैदर रखा। हैदर कहते हैं हमला करते हुए शेर को, हमला करता हुआ शेर। अब उसने सुन तो लिया, अच्छा मेरी भी मां ने कहा था हैदर से ना लड़ना, ये वही हैदर तो नहीं, समझ भी गया। अच्छा जब मरहम मारा गया ना, यानी तमाम मुसलमानों ने लिखा कि मौला ने उसको दावत दी, ठीक है तू समझता है इस्लाम की दावत देता हूं, नहीं मुसलमान हुआ का ठीक है दावत है हमला कर। बहुत कदावर था, बहुत ताकतवर था। अब जो लोगों ने फिल्में ड्रामे बना दिए मरहब के ऊपर, मैंने देखा तो मैंने किसी को एतराज लिख के भेजा, भाई आपने ये क्या बनाया, ये मरहब का उस जमाने का मरहब कहाँ से लेके आओ, जैसा मिला मैंने वैसा बना दिया, पता नहीं लोग हैं या नहीं। तो मैंने कहा भाई ये काम साहब तुमने बनाओ उसका कद और ये वो सब। तो बहरहाल ये मरहब आया, एक मरतबा आने के बाद जनाबे अमीर के सामने उसने तलवार खींची हमला किया, मौला ने तलवार से नहीं हाथ से उठा के फेंका। जब गिर गया ना मौला ने कहा एक बार फिर आ जा, ताकि वो ये ना सोचे कि भाई शायद मैं सही वार ना कर सका। मौला ने कहा एक बार फिर आ जा, मैं हमला नहीं करूंगा तू हमला कर। उसने फिर हमला किया, अली ने दो उंगलियों से उठा के फिर फेंका, का आखिरी मौका दे रहा हूं आ जाओ। अब मौला ने जुल्फिकार खींची, उसने जिस्त लगाई, एक मरतबा मेरे मौला ने कहा अल्लाह अकबर,
अब सारे मजमे ने देखा बहुत फुर्ती से अली की तलवार चली। लोग कहने लगे हुआ क्या? दो टुकड़े गिरे। हारिस आया, अंतर आया, देख चुके थे मरहब का क्या हुआ, फिर भी भागे नहीं। काफिर थे, यहूदी थे, लेकिन गैरतमंद थे। और मत पढ़वाएं मुझसे, बस यकीन मानिए कि अभी खैबर बहुत बाकी है। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने जब मरहब, हारिस और अंतर को मार दिया तो अब सारी की सारी फौज ने कहा दरवाजे बंद कर दो, कहा लाशें तो उठा लो, कहा इस शेर के सामने से लाशें कौन उठा के लाए। उन्होंने दरवाजा बंद किया। अब बीच में मैंने कहा ना खाई थी, गहरी खाई थी। जनाब सलमान कहते हैं कि मैंने देखा अली आगे बढ़े, खैबर के दर में हाथ डाला और उसे एक हाथ से उखाड़ा, उखाड़ने के बाद खाई के इस पार आए, सहाबा से कहा सवार हो जाओ मैं पहुंचा दूं। तवज्जो, नारा नहीं आएगा, मौला ने खैबर का दर उखाड़ा, सबको कहा सवार हो जाओ, उस पार ले गए, फिर आए। जनाबे सलमान कहते हैं ताज्जुब मुझे इस पे नहीं था कि अली ने खैबर का दर उखाड़ लिया था, ताज्जुब इस पे था कि जब अली आ जा रहे थे अली के पांव जमीन पे लगे। अभी तो सिर्फ दर उखाड़ा है। जाने गिरामी, जनाब अमीर आ गए खैबर में। अब एक मर्तबा किसी से कहा जाओ जाके रसूल खुदा को बुला लाओ। पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सब ने कहा या रसूल्ला आपको आपके भाई अली की फतह मुबारक है। कहा मेरा भाई अली कहाँ है? तो जनाब अमीर से कहा या अली क्या बात है, आप खुश नजर नहीं आ रहे। कहा या रसूल अल्लाह जब मैं आया ना तो मरहब मुकाबले पे आ रहा था तो खैबर की सारी ख्वातीन और बच्चे शोर मचा रहे थे, अभी मरहब जाएगा इसे मार देगा, लेकिन जैसे ही मैंने मरहब को पछाड़ा तो मुझे बच्चों के रोने की आवाज़ आई। या रसूल खुदा मेरी गैरत ने बर्दाश्त नहीं किया कि दुश्मनों का यहूदियों के भी बच्चे रोएं। उन सब ने जनाब अमीर का किरदार देखा, इतना शुजा, इतना बड़ा शेर और उससे ज्यादा बड़ा रहम दिल। मौला ने कहा खबरदार किसी को रस्सियां ना बांधना। मुझसे ख्वातीन और बच्चों के हाथों में रस्सियां बर्दाश्त नहीं होती।